नमस्कार, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE301। इस विषय का यूनिट नंबर 3 में इन्वर्टर्स में हमने सीरीज़ इन्वर्टर तक कवर किया है लेक्चर्स में। आज इस लेक्चर में हम सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर को कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर है और दो थायरिस्टर्स हैं और इंडक्टर है L। थायरिस्टर्स को हमने नाम दिया है T1 एंड T2। यहाँ आप देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसे पैरेलल इन्वर्टर कहा है। ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो, ईच प्राइमरी हाफ टू सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी को सेंटर टेपिंग से हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो प्राइमरी का आधा और सेकेंडरी पूरा, ये जो टर्न रेशियो है ये यूनिटी है। ठीक है, मतलब यदि N1 प्राइमरी वाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं तो N1 बाय 2 और N2 का जो रेशियो होगा वो यूनिटी होगा। आउटपुट वोल्टेज एंड करंट जो है वो है V0 एंड I0 रिस्पेक्टिवली। L इंडक्टर का फंक्शन है कांस्टेंट I0 प्रोवाइड करवाना। सर्किट में जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस सर्किट में जितनी भी डायरेक्शंस हैं करंट की वो सभी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। इसकी वर्किंग को हम स्टडी कर सकते हैं तीन मोड्स में डिवाइड करके। सबसे पहले मोड 1, इस मोड में थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है और करंट जो है वो अपर हाफ ऑफ प्राइमरी वाइंड में फ्लो कर रहा है। इस करंट फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों भागों को, जो आधे आधे दो भाग हैं, उन दोनों को लिंक करेगा। परिणाम स्वरूप एक EMF VS जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं वो इंड्यूस होगा दोनों ही हाफ्स में, मतलब अपर हाफ में भी और लोअर हाफ में भी। प्राइमरी वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो टोटल EMF होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2 VS। यदि अपर प्लेट पॉजिटिव है तो, और यदि अपर प्लेट नेगेटिव होती है तो वो होता है -2 VS। ठीक है, अब मोड 1 आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ इस सर्किट को देखें आप, फर्स्ट 8.51A जो सर्किट है इसे आप देखें, 2 VS जो है वो टोटल वोल्टेज है जब T1 ऑन है और T2 ऑफ है। तो आप करंट का पाथ भी देख सकते हैं,
T1 वाले शॉर्ट पाथ से प्राइमरी वाइंडिंग के अपर हाफ से और फिर T2 ओपन वाले पाथ को बायपास करके ये VS की तरफ जा रहा है। थायरिस्टर T2 फॉरवर्ड बायस्ड है थ्रू T1 बाय द कैपेसिटर वोल्टेज 2 VS। इससे क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट करंट I0 फ्लो करेगा VS, L एंड T1 के थ्रू और प्राइमरी पर हाफ के थ्रू, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, जब T=0 पर थायरिस्टर T2 ऑन हो जाएगा। मोड 1 जो हमने अभी पढ़ा मोड वन था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ T<0, यानी 0 टाइम से पहले वाले समय में मोड 1 था। T=0 के लिए है मोड 2 और T>0 हो जाएगा मोड 3। तो इस तरह से हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला मोड हमने देखा T1 ऑन है, T2 ऑफ है, प्राइमरी के अक्रॉस 2 VS वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा है मोड 2, जब T=0 पर हम स्टडी कर रहे हैं। थायरिस्टर T2 ऑन होगा बाय अप्लाइंग ट्रिगरिंग पल्स टू इट्स गेट। अब इस टाइम पर कैपेसिटर वोल्टेज 2 VS एक रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह काम करेगा T1 के लिए, इसलिए T1 ऑफ हो जाएगा और T2 को हमने ऑन किया है तो वो ऑन कंडीशन में रहेगा। एक करंट I0 T2 के थ्रू जो है वो फ्लो करेगा थ्रू लोअर हाफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। इसी समय, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.51B जो चित्र है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है मोड 2। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसी समय कैपेसिटर वोल्टेज 2 VS अप्लाई किया जाएगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर और एक कैपेसिटर करंट -IC भी एस्टेब्लिश होगा। IC के साथ जो माइनस साइन है, -IC जिसे मैंने कहा है अभी, माइनस साइन सिर्फ ये दर्शाता है कि दिखाए गए सर्किट में, यानी जो सबसे पहले आपको सर्किट दिखाया गया था ये वाला सर्किट, इसमें जो डायरेक्शन है करंट की IC की, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं इस वाले चित्र में, मोड टू वाले चित्र में IC की, इसलिए वो माइनस साइन के साथ दर्शाया गया है। T2 के ऑन होने से पहले आप देखेंगे कि अपर प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स था वो था I0N1 और लोअर प्राइमरी वाइंडिंग में MMF था 0। जैसे ही T2 ऑन होता है वैसे ही MMF हाथों हाथ, यानी सडनली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जब T=0 आता है तो लोअर हाफ जो MMF था 0 वो तो 0 रहता है और अपर हाफ जो MMF होता है वो T less than 0 वाले MMF के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही T=0 आता है तो कैपेसिटर C जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है और करंट IC लोड करंट सप्लाई करती है I0 को, और इस प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी
एम्पियर टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर को बैलेंस करती है। कैपेसिटर करंट फ्लो करता है जब तक कि कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता प्लस टू वी एस से माइनस टू वी एस, ठीक है, टी बराबर टी वन पर। अब नेक्स्ट आपका टाइम स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, तो लोड वोल्टेज जो है वो वी एस से माइनस वी एस पे शिफ्ट हो जाता है। ये अभी हम कर्व्स में देखेंगे कि ये जो टाइम लग रहा है एमएफ को चेंज होने में, ये टाइम भी कर्व पे शो होगा। नेक्स्ट आपका मोड थ्री आता है जो कि आप 8.51 डी में देख सकते हैं। 8.51 सी में आप मोड टू का ही अगला हिस्सा भी देख सकते हैं जो आईसी वाला है, और यहाँ आप देख सकते हैं मोड थ्री में जब कैपेसिटर चार्ज हो गया माइनस टू वी एस से विद अपर प्लेट नेगेटिव एंड लोअर प्लेट पॉजिटिव, तो एससीआर टी वन टर्न ऑन हो सकता है किसी भी टाइम पर। टी वन को ट्रिगर किया है टी बराबर टी बाय टू। कैपेसिटर वोल्टेज 2VS जो है वो एक रिवर्स बायस अप्लाई करेगा अक्रॉस T2। इट इज़ देयरफॉर टर्न्ड ऑफ, इसलिए बंद हो जाता है। अब जब T2 ऑफ हो जाएगा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और IC जो होगा वो अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि MMF जो है अपर एंड लोअर हाफ में वो अनचेंज रहेंगे बिकॉज T2 से जस्ट पहले, क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए ना। और जब IC डीके टू जीरो तो VC कितना होगा प्लस टू VS, V0 हो जाएगा VS, ठीक है। वेवफॉर्म्स जो हैं इनकी हम एक बार स्टडी करते हैं, यहाँ देखते हैं हम, देखिए वेवफॉर्म्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली है IG1 एंड IG2, T1 के गेट की और T2 के गेट की जो पल्सेस हैं वो हैं। इसके बाद है VC और T के बीच में कर्व, तो VC जो होगा वो 2VS एंड माइनस 2VS 0 से लेकर टी टाइम के लिए, देन टी से लेकर टी वन के लिए, इस तरह से। तो जब टी वन ऑन होगा तो 2VS हमें मिल रहा है, जब टी टू ऑन होगा तो माइनस 2VS हमें प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली जब टी वन ऑन है तो फिर से 2VS, देन टी टू ऑन है तो माइनस 2VS। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखें जब पहले IG2 वाली पल्स देखें, जब T2 ऑन है आपका तब आपको सडनली वोल्टेज मिलना शुरू नहीं होता है, मतलब मिलना शुरू होता है बट वो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है उस T2 के ऑफ होने के बाद, मतलब T2 की पल्स के जाने के बाद। वो जो MMF में डिले वाली बात है वो ये है। फिर जब T1 ऑन होता है तब आपको प्लस 2VS मिलती है, लेकिन वो जस्ट ऑन होने के बाद नहीं मिलती, वो कुछ समय बाद मिलती है। अभी हम IG1, IG2 एंड VC का कर्व देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से T1 एंड T2 के कर्व्स हमने देखे। सिमिलरली अब स्पेसिफिकली VT1 की बात हम करें तो VT1 जो है वो देखें आप कि कब हमें प्राप्त होना शुरू हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ VS और IC, IT1 एंड IT2, ये दोनों ही थायरिस्टर के कर्व्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मोड्स का जो कर्व है एक नीचे से थर्ड जो कर्व है उसमें आप देखें, ये मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3, ये तीनों इसमें दिए हैं। यहाँ पर आप देखें
जो वी नॉट है वो हमें मोड वन के लिए जो प्राप्त हो रहा है वो टू वी एस है, सॉरी वी एस है, और सेकंड जो है वो है माइनस वी एस, देन थर्ड है वी एस मोड थ्री में, क्योंकि फिर से टी वन ऑन होगा। तो जब भी टी वन ऑन होगा तो हमें पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज मिलेगा, और जब टी टू ऑन होगा तो हमें नेगेटिव सोर्स वोल्टेज प्राप्त होगा। तो पैरेलल के केस में हमें कहीं भी ब्रेक नहीं मिलके और कंटिन्यूस जो है वेवफॉर्म प्राप्त हो रही है इन्वर्टर में। तो ये था इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, और वो भी सिंगल फेज। तो इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग ये कर्व और ये अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।